महान संगीतकार, गायक, लेखक और गीतकार प्रफुल्लकर अब हमारे बीच नहीं रहे। महान कलाकार प्रफुल्लकर का रविवार रात निधन हो गया। इस खबर से हर कोई भावुक है। 83 साल की आयु में गीतकार का निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि प्रफुल्लकर अपनी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि प्रफुल्लकर उड़िया संस्कृति के संरक्षक और गृहस्थ के रूप में जाने जाते हैं। वो उड़िया संस्कृति के जाने माने हस्ती थे। इनके निधन पर प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। साथ ही फिल्म जगत के कई बड़ी और जानी मानी हस्तियों ने दुख जताया है। अपने ट्वीट में पीएम ने दुख जताते हुए कहा कि प्रफुल्लकर जी के निधन से व्यथित हूं। उन्हें उड़िया संस्कृति और संगीत में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाएगा। वो एक बहुमुखी व्यक्ति के धनी थे और उनकी रचनात्मकता उनके काम में दिखती थी। साथ ही पीएम ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि इस घटना ने उड़िया संगीत के एक युग का अंत कर दिया है। वह ट्वीट कर लिखते हैं, मैं प्रसिद्ध संगीतकार प्रफुल्लकर के निधन के बारे में जानकर दुखी बहुत हूँ। उनके निधन को उड़िया संगीत की दुनिया में एक युग के अंत की तरह देखा जाएगा। प्रफुल्ल की अनूठी संगीत शैली ने उन्हें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर कर दिया है। मैं उनके शोक में डूबे परिवार के प्रति पूरी संवेदना रखता हूँ। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि उनका अंतिम संस्कार सोमवार को स्वर्ग द्वार में किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दिवंगत प्रफुल्लकर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पटनायक ने निर्देश दिया है कि प्रफुल्लकर को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार के दो मंत्री अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। प्रफुल्लकर के परिवार में उनकी पत्नी मनोरमा कर और उनके 3 बच्चे महाप्रसाद कर, संध्यादीप कर और महादीप कर हैं। प्रफुल्लकर को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 16 फरवरी 1939 को एक संगीत परिवार में हुआ था। प्रफुल्लकर एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर भी थे। उन्होंने कमला देश, राजकुमारा समेत कई लोकप्रिय गीत दिए। कर को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से 2015 में नवाजा गया था। उन्हें 2004 में जयदेव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 8 बार राज्य फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया, जिसमें से 6 बार उन्हें लगातार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर को ऐसे विशिष्ट संगीतकार होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने उड़िया भागवत और उड़िया छंद का दुर्लभ संग्रह रिकॉर्ड किया था। उनके द्वारा निर्देशित भक्ति संगीत एल्बम प्रभु कृपा के 10 लाख से अधिक कैसेट बिके थे। उनकी संगीत रचना गीत गोविंदम का संग्रह भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। उषा मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज जैसे कई स्थापित गायकों ने उनके निर्देशन में उड़िया गीतों के लिए अपनी आवाज दी थी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।